लग रहा है आपसे मिलकर। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मारिया की दुनिया में कम ही दोस्त हैं, आप भी यकीनन उनमें से एक यूनिक पर्सनालिटी होनी चाहिए। क्या मत? हेलो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो नुमरा? तूबा। थैंक यू। यू आर वेलकम। रियली सॉरी, मैंने आपको बहुत किया। ऐसी बातें मत करो, सब ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन से ही अल्लाह के बहुत करीब रही हूँ मैं। 5 वक्त की नमाजें पढ़ना, हर तरह से अल्लाह को राजी रखने की कोशिश करती, लेकिन समझ नहीं आ रहा। कुछ दिनों से सुकून की नींद नहीं आ रही मुझे। सोचा कि आपके पास आऊँ, आपसे हेल्प मांगूँ, शायद कुछ बेहतर हो सके। बहुत अच्छा किया तुमने। ऐसी सिचुएशंस में किसी साइकाइट्रिस्ट या फिर माहिर नफ्सियात को दिखाना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वेरी ब्रेव ऑफ यू। थोड़ा सा पीछे जाते हैं। व्हाई डोंट यू टेल मी अबाउट योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताओ। बहुत छोटी थी जब अम्मी का इंतकाल हो गया। अब्बू बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बचपन से ही जॉइंट फैमिली में रही। चचा, चची, कजन्स, झवेरी और नजम, एक अच्छी बड़ी जॉइंट फैमिली थी। एक दिन अचानक चचा ने अब्बू से मेरा और नजम का रिश्ता मांगा, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। नजम से इनकार करने की वजह? वो उसके शुरू से इरादे मुझे ना सही नहीं दिखते थे। हमारे बिजनेस पे नजर, हमारी जायदाद पे कंट्रोल, बट अनफॉर्चुनेटली एक दिन अब्बू भी कन्विंस हो गए मेरे और नजम के लिए। जिस दिन मैंने अब्बू को साफ इनकार किया, अब्बू ने भी अपने कदम पीछे कर लिए थे। इंटरेस्टिंग। ज्यादातर लड़कियां तो अमीर और जायदाद वाले लड़कों के पीछे भागती हैं। फिर तुमने अपने कजन को इनकार क्यों किया? क्योंकि मेरी नजर में आइडियल इंसान वो नहीं है जिसके पास जायदाद हो, घर हो, गाड़ी हो। मेरी नजर में एक आइडियल शख्स अच्छा इंसान, दीनदार, बस नशों में मुब्तला, बेदीन, हर दिन एक नई लड़की की तलाश में भागने वाले। इनसे तो मैं बात तक करना पसंद नहीं करती, तो मैं अपनी जिंदगी कैसे सौंप सकती थी ऐसे इंसान को। आई अंडरस्टैंड दैट, बट ये सब तो गुजर चुका है। इस वक्त का बताओ कि अभी तुम्हें क्या चीज बॉदर कर रही है? What's bothering me? मेरे चचा मेरी वजह से अपने घर में गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, और उसका कसूरवा मैं अपने आप को ठहरा रही हूँ फॉर सम रीजन। बट यू डोंट हैव टू ब्लेम योरसेल्फ। देखिए पागलखाना पीर और मंगल रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।